तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करता है, पहली बात इसका नाम ड्रिफ्ट क्यों रखते हैं? ड्रिफ्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जैसे सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव जब करता है, तो वो मान लो यहाँ से यहाँ आना था उसको बी पॉइंट पे इन रैंडम मोशन, पर वो आ नहीं पाया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, वो थोड़ा आगे ड्रिफ्ट कर गया, उसको आगे जाना पड़ा, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम ड्रिफ्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा होगा, तो उसकी रास्ते में कोलिजन होगी। अब किसी की कोलिजन पहले होगी T1 टाइम में, किसी की लेट होगी T2 टाइम में, किसी की N टाइम में होगी TN टाइम में होगी। पर हम लाखों इलेक्ट्रॉन्स के टाइम को तो स्टडी कर नहीं सकते, तो हमने क्या लिया, सभी टाइम का एवरेज ले लिया। उसका नाम क्या रख दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो कैसे डिफाइन किया, शॉर्टेस्ट टाइम है फॉर विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट्स बिफोर अंडरगोज कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। भी कंडक्टर में कोलिजन होने से पहले कितनी देर वो एक्सेलरेट किया, उस टाइम को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। ठीक है,